हम आपको बथुए की खस्ता करारी पूरी बनाकर दिखाएंगे, वो भी बिना उबाले बथुए को बिल्कुल खस्ता करारी बनाकर दिखाएंगे। देखिए कितनी करारी है ये, आप देख सकते हैं। देखिए तोड़ के दिखाते हैं आपको, देखिए कितनी ग्रीन बनी है और कितनी बढ़िया बनी है, अंदर से भी बिल्कुल ऑयल नहीं है, देख सकते हैं हमारे हाथ चिकने भी नहीं है। ये कितनी अच्छी बनी है, आप इन्हें सफर के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं क्योंकि मसाले वाली है ये। आइए हम आपको बनाकर दिखाते हैं किस तरह से बनाई जाती है ये। तो कंसलोस में आपका स्वागत है, आज हम आपको बथुए के पूरी बनाकर दिखाएंगे जो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। देखिए हमारा 250 ग्राम बथुआ है, देखिए कितना हरा हरा बथुआ है। इनके हमने डंठल तोड़कर हमने बारीक बारीक कट कर लिया है और इन्हें धो के ग्राइंड करेंगे। धो लिया है और हमने जार में कर लिया है और इसमें दो हरी मिर्च डालेंगे, इससे हमारी पूरियां टेस्टी बनेंगी और तीखी। देखिए हमने मिर्च काट दी है, अब इसको बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। तो पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, ये हमने बिना उबाले करा है। देखिए कितना ग्रीन है, बिल्कुल हरा, इसमें आयरन बहुत है। अगर हम बिना उबाले बनाएंगे तो आपको आयरन अच्छा मिलेगा, मात्रा में मिलेगा। देखिए हम इसका आटे का डो लगा कर तैयार करेंगे। तैयार कर लिया है, ये हमने अजवाइन ले ली है आधी चम्मच, इसको हाथों से क्रश करके हम आटे में डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा खाने में। देखिए इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हमने दो हरी मिर्च डाल दी थी बथुए में, आधी चम्मच हम हींग डालेंगे, इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अब इसमें हम पिसा हुआ बथुआ डालेंगे, उसके आपस में मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम टाइट डो तैयार करेंगे। इसके तैयार हो गए हैं, इतना सॉफ्ट आटा मंडा है, इसे 5 मिनट हम रेस्ट के लिए रखेंगे, फिर हम आपको पूरी बनाकर दिखाएंगे। देखिए हमारे आटे को रखे हैं 5 मिनट हो गई हैं, और हम इसकी आपको पूरियां बनाकर दिखाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। देखिए इस तरह से हम इसकी एक लोई तोड़ेंगे, इस तरह से हाथों पे घुमाएंगे और लंबा लंबा आकार देंगे, इस तरह से इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ देंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल ग्रीन पूरी है हमारी, और हम इसे बेलेंगे। ये भी टेस्टी बनती है, हमने इसमें मसाले भी डाले हैं, आप इन्हें बाहर भी ले जा सकते हैं, अचार वगैरह के साथ खा सकते हैं बाहर, आलू आलू के साथ, आप इन्हें सुबह को चाय के साथ नाश्ते में बना सकते हैं और इन्हें सब्जियों के साथ भी खा सकते हैं। देखिए हमारी बेल गई है पूरी, बात करते करते हम बिल्कुल इस तरह की बेलेंगे, हम आपको उतार के दिखाएंगे। देखिए हमने ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया था पहले से, दोनों तरफ से हम गोल्डन ब्राउन सेकेंगे। देखिए पूरी हमारी फूल गई है, ये तो उसकी पीली पूरी बेल ली हमने, इसको डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी फूल आई हमारी, एकदम ग्रीन ग्रीन पूरी। देखिए ऑयल को निचोड़कर हम पूरी निकाल लेंगे, देखिए कितनी खस्ता और करारे पूरी बनकर तैयार हो गई है हमारी। देखिए हमारी कितनी पूरी पूरी पूरियाँ आ रही हैं, देखिए बिल्कुल हमने गोल्डन करारी होने तक सेक लेंगे। देखिए ऑयल हमने निचोड़ दिया है, कितनी करारी आई है, इस तरह से हम सभी पूरियों को उतार लेंगे। देखिए सभी कितनी फूली फूली बन रही है हमारी, अगर हम बथुए की पूरियाँ तैयार हैं, बिल्कुल टेस्टी और करारी एकदम फूली फूली हैं, आप इस तरह से जरूर ट्राई करें, एक बार बनाए हमारे तरीके से और बताएं कि आपको क्योंकि ऐसी लगी है इसका जायका और इसका टेस्ट कैसा लगा है। देखिए कितनी क्रिस्पी है, आप देख सकती हैं कितनी फूली फूली है एकदम, सभी पूरी और खस्ता बनी है हमारी, एक बार ट्राई जरूर करें। हमारे वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नई नई हमारी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।